हेलो फैमिली, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मुन्ना किचन में। आज हम आपके लिए लेके आए घर पर इजी चिकन थाली बनाने की बहुत ही मजेदार रेसिपी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। तो आइए घर पर चिकन थाली बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कुकर में 4 बड़े चम्मच तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। साथ ही में अब हम चावल के लिए एक टोप में पानी भर के गर्म होने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक तेज पत्ते को ऐड कर देंगे। साथ ही में अब हम इसमें 2 लाल मिर्च को भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 छोटे चम्मच जीरा को ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 3 बड़े प्याज को बारीक लंबे शेप में कट करके ऐड कर देंगे। पलटे की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में अब हम इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं कांदा भून के एकदम अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक के पेस्ट को ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में अब हम इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। लगभग 2 मिनट अच्छी तरह से भुनने के बाद आप देख सकते हैं लहसुन अदरक भी अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें 1/2 किलो चिकन को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे लगभग 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। दो मिनट अच्छी तरह से भुनने के बाद अब हम इसमें 3 बड़े टमाटर को रफली कट करके ऐड कर देंगे कुछ इस प्रकार से। तीनों टमाटर को रफली ऐड करने के बाद अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं चावल के लिए हमने जो पानी रखा था बॉईल करने के लिए वो अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें भिगोए हुए चावल को ऐड कर देंगे। चावल डालने के बाद अब हम इसे एक बार इस प्रकार से चला लेंगे। गैस की आंच फास्ट करके हम चावल को पकने देंगे। 3 मिनट अच्छी तरह से भुनने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर को ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच चिकन मसाला ऐड कर देंगे। साथ ही में अब हम इसमें स्वाद अनुसार कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसे पलटे की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लगभग 8 मिनट अच्छी तरह से पकाने के बाद आप देख सकते हैं आपका चावल बनके एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम गैस की आंच बंद करके इसमें 1 लोटे ठंडे पानी को ऐड कर देंगे और इसे ढक कर इसका पानी हम गिरा देंगे। चावल के पानी को अच्छी तरह से गिराने के बाद आप देख सकते हैं आपका चावल बनके एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। साथ ही आपका चावल काफ़ी खिला खिला हुआ है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे। अब हम इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि आपका मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। लगभग 2 मिनट अच्छी तरह से भुनने के बाद अब हम इसमें पानी को ऐड कर देंगे। पानी आप आपके हिसाब से ऐड कीजिए। अगर आपको चावल के साथ खाना है तो आप ज़्यादा ऐड कीजिए और रोटी के साथ खाना है तो कम ऐड कीजिए। अब हम इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर पे ढक्कन को लगा देंगे।
भी ऐड कर देंगे। अब हम इसे 3 सीटी बजने तक अच्छी तरह से पकने के लिए रख देंगे। तीन सीटी बजने के बाद अब हम गैस की आंच बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं कुकर अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे खोल लेंगे। अब हम इस पे बारीक कटे हुए हरे धनिए को ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ अब हम बनाए हुए चावल को एक प्लेट में निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार से। साथ ही में अब हम एक बाउल में चिकन को भी निकाल लेंगे। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं आपकी चिकन थाली बनके एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। साथ ही इसका कलर काफ़ी बेहतरीन आया हुआ है। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई रहेगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ ही आप भी अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ना भूलें आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।